हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ पिया। तो कैसे हैं आप? आज इस वीडियो में मैं एक एप्लीकेशन का रिव्यू करने वाली हूँ। इस एप्लीकेशन का नाम है व्हाट्सएप क्लीनर, जो एक बहुत ही यूज़फुल एप्लीकेशन है। अक्सर हमारे साथ ऐसा होता है, जो हमारे व्हाट्सएप के डेटा होता है, इमेज, वीडियो, वॉइस नोट्स वगैरह, प्रोफाइल फ़ोटोज़ वगैरह, वो अलग अलग फोल्डर में कहीं जाके गुम हो जाते हैं। कहीं जल्दबाजी में हमें ढूंढना पड़ जाए तो काफ़ी मुश्किल हो जाती है। कभी डिलीट करने बैठो तो फोल्डर्स मिलते ही नहीं। तो ये एप्लीकेशन अपने एक ही फोल्डर में सारे चीज़ को जमा कर देती है। तो अगर आपको कुछ डिलीट करना हो या किसी को सेंड करना हो, तो उस एप्लीकेशन में आपको सब एक साथ मिल जाएगी, तो आपके समय की पूरी बचत हो जाएगी। ये एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर में नहीं मिलेगी। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगी इस एप्लीकेशन का, आप उसे इंस्टॉल कर लेना। तो चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ ये किस तरह काम करती है। ये रहा हमारा व्हाट्सएप क्लीनर। तो यहाँ देखिए, इमेजेस का फोल्डर अलग बना हुआ है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो जो भी इमेजेस आपको व्हाट्सएप से आए हैं वो सारे यहाँ पर मिल जाएंगे। फिर इसी तरह का ऑडियो, वीडियो, प्रोफाइल पिक्चर्स, जो भी है डाटाबेस टोटल का सारा यहाँ पे हिसाब मिल जाएगा कि आपके मोबाइल में व्हाट्सएप से कितना डाटा इसमें आया हुआ है। तो अगर आप इसको डिलीट करना चाहते हैं, ऑल क्लियर करना चाहते हैं, तो टोटल में क्लीन कर दो, सारा क्लियर हो जाएगा। और अगर आप चाहते हैं चुन चुन के कुछ अलग अलग वीडियोस चाहे फोटोज़ आपको डिलीट करना है, तो वो भी कर सकते हैं, और सेंड करना है तो सेंड भी कर सकते हैं। जैसे मैंने इमेज को चूज़ कर लिया, किसी पर्टिकुलर एक इमेज को चूज़ करती हूँ। आपको ओपन करना है, आप ओपन कीजिए, देखिए फिर आपको सेंड करना हो तो इसको सिलेक्ट कीजिए, और सिलेक्ट करने के बाद अगर आपको डिलीट करना हो तो डिलीट कीजिए, अगर शेयर करना हो तो ये रहा शेयर का ऑप्शन, यहाँ क्लिक करके आप शेयर कर सकते हैं। तो है ना ये बहुत बड़ी एप्लीकेशन। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में तो आपको लिंक मिल ही जाएगी, आप यहाँ से ही इंस्टॉल कर सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को ख़त्म करने से पहले एक और बात आपसे कहना चाहती हूँ। अगर आपको शायरी सुनना पसंद है, जैसे सैड शायरी, रोमांटिक शायरी या लव स्टोरी वाली शायरी, तो आप मेरे चैनल को एक बार ज़रूर विजिट कीजिए। मेरे चैनल का नाम है शायरी विथ पिया। तो इस डिस्क्रिप्शन में मैं अपने चैनल का लिंक दे दूंगी। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी शायरी ज़रूर पसंद आएगी, तो एक बार इस चैनल को ज़रूर विजिट कीजिएगा। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।